हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आ चुके हैं साइंस के सेकंड सेटिंग का क्वेश्चंस लेकर के। तो चलिए फटाफट से मिलाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सही बनाया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो उसका द्वारा उपभुक्त शक्ति क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वाट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत धारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे एक पारदर्शी गोलीय कवच के बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कम कैसा व्यवहार करेगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस के भांति। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं तो कोयला तथा पेट्रोलियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी या फिर ऊपर जो दिया गया है उनके सभी गुण। अगला सवाल है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में पाया जाता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2%। अगला सवाल है भ्रूण का विकास होता है तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का। अगला सवाल है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कांच में। अगला सवाल है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे ईंधन है तो इसमें आपको जो दिया गया है CNG LPG लकड़ी सभी ईंधन ही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो यह पेट्रोलियम और कोयला दोनों होता है इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो ये होता है अम्ली यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधकों की संख्या क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 7। अगला सवाल है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग का किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय है। तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रिपल बॉन्ड। अगला सवाल है क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है तो यह है कॉपर का यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है तो हारमोन्स को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है तो रेजिन गोंद टैनिन सभी होते हैं यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होगी तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। अगला सवाल है निम्न में से कौन हेटरोक्राइन ग्रंथि है तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृषण। अगला सवाल है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये होता है दिन में यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल में। अगला सवाल है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है
तो ये होगा आपका असंतृप्त यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का एथिलीन है, एथिलीन है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल के। अगला सवाल है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बायोगैस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये इसका चार ऑप्शन सही है यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। अगला सवाल है निम्न में से कौन युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेवन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पेंटेन C5H12 की संरचना समावयवी संभव है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फोर। अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्नांकित में से किस धातु को क्रिसिन में डुबो कर रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम को। अगला सवाल है Al4Cl3 के जल अपघटन में से निम्न में से कौन बनता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेथेन। अगला सवाल है वह धातु जो सिर्फ अमल राज में घुलता है वो है ऑप्शन नंबर बी Au यानी सोना। अगला सवाल है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78% यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने। अगला सवाल है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी थ्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग का पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो परिशेषिका हिस्सा है आपका ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एक खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो ये होता है मांसाहारी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। अगला सवाल है बैटरी का अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी H2SO4। अगला सवाल है यहाँ पे कली चूना का रासायनिक सूत्र होगा आपका ऑप्शन नंबर सी CaO। अगला सवाल है आयोडीन युक्त नमक है, तो ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ये होगा गंधीय यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव जो होता है घरेलू गैस, तो इसका जो है ब्यूटेन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लेंस की आवर्धन का मात्रक होता है, तो ये होता है मात्रक विहीन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी काला। अगला सवाल है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला सवाल है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, या तो समतल अथवा उत्तल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो हमेशा यह ऋणात्मक होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है इसमें से सभी हर नीला हरा लाल तीनों ही होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 32। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सारा ऑप्शन सही, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच। अगला सवाल है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी XX। अगला सवाल है मृत जीवी का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोबर छत्ता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गॉड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भित्री। तो इस तरह से हमने 80 out of 80 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।